हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजुहब ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 11 साइंस सब्जेक्ट जूलॉजी, टॉपिक माइक्रोबॉडी सूक्ष्म काय। इसमें परोक्सीसोम की खोज 1966 खोजकर्ता डी ड्यू, ये वैज्ञानिक था जिन्होंने सर्वप्रथम परोक्सीसोम की खोज की। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही सूक्ष्म और गोलाकार संरचना। बहुत ही गोलाकार संरचना होती है जो प्रोटोजोआ के अतिरिक्त सभी पादप कोशिकाओं में और जंतुओं के अंदर यकृत और वृक्क, इनकी कोशिकाओं के अंदर ये पाए जाते हैं। सभी पादप कोशिकाओं में, जितने भी पादप हैं उन सभी पादपों की कोशिकाओं के अंदर ये पाए जाते हैं। जंतुओं के अंदर केवल यकृत और वृक्क की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ही ये पाए जाते हैं। अब ऐसे पादप जो प्रकाशीय श्वसन करते हैं, प्रकाशीय श्वसन करने वाले जो पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो परोक्सीसोम जो होता है उसके अंदर ऑक्सीडेज और कैटलेज, इन प्रकृति के एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें मुख्यतः ऑक्सीडेज और कैटलेज एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। इसके बाद कार्य में इसके मुख्य रूप से इसका जो कार्य होगा सूक्ष्म काय का, वो प्रकाशीय श्वसन करना। इसके अतिरिक्त जंतु कोशिकाओं के अंदर वसा का उपापचय करना, कहों में वसा का उपापचय इसके द्वारा किया जाता है। साथ ही बाहर से आने वाले विषैले पदार्थों, ऐसे पदार्थ जो कि कोशिका के अंदर कैसे होते हैं विषैले, उन विषैले पदार्थों के प्रभाव को कम करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। कोशिका के अंदर बाहर से आने वाले ऐसे पदार्थ जो कि विषैले होते हैं उनको ये नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त कोशिकाओं के अंदर उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उनके द्वारा बनने वाला, इन उपापचयी क्रियाओं से कोशिकाओं के अंदर H2O3 हाइड्रोजन प्रोक्साइड इसका निर्माण होता है। यानी कि कोशिकाओं के अंदर होने वाले उपापचयी क्रियाओं के द्वारा हाइड्रोजन प्रोक्साइड का जो निर्माण होता है उसका विघटन करने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है।
विघटन भी इसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके जो कार्य है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इनको एक बार रिवाइज अगर अपन करें तो उसमें सबसे पहले प्रकाशीय श्वसन, जंतु कोशिकाओं में वसा का उपापचय, बाहर से आने वाले विषैले पदार्थों के प्रभाव को नष्ट करना, और कोशिका में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बनने वाले जो पदार्थ हैं जिनमें मुख्यतः जो होता है वो हाइड्रोजन परोक्साइड H2O3, उसका विघटन इसके द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा परोक्सीसोम जो टॉपिक है वो यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।